Good afternoon everyone once again, and in the last class we have started with something called we were just trying to distinguish between the private goods and the public goods, and we have discussed the private goods, that the goods that are rival in consumption and excludable in consumption. Hence the horizontal summation is being done in case of private goods. Now let's try and see what does public goods means, and today we'll try to understand what are public goods and how they are different from private goods. Now we'll see the public goods. पब्लिक गुड्स क्या है? वेल दीज आर द गुड्स. अब जैसे इनके नाम से ही पता चलता है, पब्लिक गुड्स. पब्लिक मीन्स दे द स्पेंडिंग इज बीइंग डन बाय द पब्लिक. यू नो नो इंडिविजुअल इज स्पेंडिंग. इंडिविजुअल्स स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सोसाइटी एज अ होल स्पेंडिंग हो रही है, यानी कि पब्लिक की फंड से स्पेंड हो रहा है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द पब्लिक गुड्स. और यू कैन से दे आर मेंट फॉर द utilization by the entire society. They are not being produced for a particular individual of the society, but they have been produced for the society as a whole. कि जो goods society as a whole के लिए हम produce कर रहे हैं उनको हम public goods बोलते हैं. तो public goods की दो feature होती हैं, क्या? non-rival, rival in consumption and non-excludable in consumption. कि public goods जो होते हैं वो non-rival होते हैं consumption में. अब non-rival होने का मतलब क्या है? That means spending, that means the quantity consumed by one doesn't affect the quantity consumed by other. देखो private goods में क्या था कि क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय वन विल बी अफेक्टेड बाय द क्वांटिटी कंज्यूम्ड विल अफेक्ट द क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय अदर. उसमें राइवल था प्राइवेट गुड्स में. बट पब्लिक गुड्स में क्या है? पब्लिक गुड्स में नॉन राइवल है. नॉन राइवल होने का मतलब क्या है? कि क्वांटिटी क्वांटिटी कंज्यूम्ड होल्ड ऑन क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय वन डज नॉट अफेक्ट द क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय अदर. दैट इज व्हाट द नॉन राइवल इन कंजम्पशन मीन्स. कि कंजम्पशन में नॉन राइवल होते हैं क्यों? क्योंकि एक जो क्वांटिटी कंज्यूम करता है उसकी क्वांटिटी कंजम्पशन से किसी और की क्वांटिटी कंजम्पशन अफेक्ट नहीं होती है. तो ये कहलाता है नॉन राइवल इन कंजम्पशन पब्लिक गुड्स. जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए रोड है. रोड जो है, सड़क जिसको हम बोलते हैं, वो जो है पब्लिक गुड. रीजन बींग कि भाई उसको मैं भी यूज़ कर सकता हूँ, कोई और भी यूज़ कर सकता है, और मेरे यूज़ करने से उसकी किसी दूसरे के कंजम्पशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इज़ दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर. ठीक है, इसी तरीके से पार्क्स देख लीजिए, नेशनल डिफेंस देख लीजिए. जो नेशनल डिफेंस है मीन्स जितना सिक्योरिटी जो जम्मू कश्मीर में या बॉर्डर एरियाज में जो लोग रहते हैं, जितनी सिक्योरिटी उन्हें है उतनी ही सिक्योर वो लोग फील कर रहे हैं जो इनर लैंड्स में रहते हैं, जैसे दिल्ली हो गया या अदर स्टेट्स में जो रहते हैं, यानी कि जो डिस्टेंस प्लेसेस पर रह रहे हैं. किससे डिस्टेंस प्लेसेस पर? बॉर्डर से डिस्टेंस प्लेसेस पर रह रहे हैं इनवर्ड. तो उनको भी वो भी उतने ही सिक्योर्ड और सेफ फील कर रहे हैं, यानी कि उनको भी उतने ही नेशनल डिफेंस इंजॉय कर रहे हैं. तो ये मतलब है नॉन राइवल इन कंजम्पशन का.
इसी तरह नॉन एक्सक्लूडेबल इन कंजम्पशन. नॉन एक्सक्लूडेबल इन कंजम्पशन का क्या है? दैट मीन्स देर इज नो मैकेनिज्म, देर इज नो मैकेनिज्म दैट ensures that ensure ensure exclusion of an individual. अब जो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी प्रिंसिपल है, जैसे मैंने बताया पीछे प्राइवेट गुड्स में हमने डिस्कस किया था कि जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्राइसिंग करते हैं कमोडिटीज की, कि भाई जो प्राइस पे करेगा वो उस चीज को एंजॉय करेगा, जो प्राइस पे नहीं करेगा वो उसको एंजॉय नहीं करेगा. ठीक है, बट यहां पर क्या होता है पब्लिक गुड्स के केस में कि प्राइसिंग नहीं हो पाती है, कोई प्राइसिंग मैकेनिज्म नहीं होता है, जिसके कारण एक्सक्लूजन पॉसिबल नहीं है. यानी कि हम किसी को एक्सक्लूड करके चलें ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है. किस केस में? प्राइवेट पब्लिक गुड्स के केस में. यानी कि कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं होता. अब देखो, जो कई बार आपने देखा होगा जो टोल नाका होता है, जो टोल नाका होता है जहां पर हम टोल टैक्स पे करते हैं, तो टोल टैक्स एक तरीके का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एंश्योर करता है कि जो टोल पे करेगा वो तो जो टोल पे करेगा वो तो उस रोड को यूज कर पाएगा आगे, और जो टोल पे नहीं करेगा वो नहीं कर पाएगा. तो इसका मतलब जो टोल टैक्स जहाँ पर लगता है तो वो फिर पब्लिक गुड नहीं रह गया, वो जो रोड होगी टोल टैक्स के बाद वो प्राइवेट गुड कहलाएगी, क्योंकि जो उस टोल टैक्स को पे करेगा वही उसको आगे यूज कर पाएगा, और जो पे नहीं करेगा वो यूज नहीं कर पाएगा. इज दैट ओके? हेलो, यस सर. ठीक है ना, तो ये मतलब है किसका? पब्लिक गुड्स का. क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये मतलब है किसका? पब्लिक गुड्स का. तो पब्लिक गुड्स में क्या है, एक्सक्लूडेबल प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता, यानी कि नॉन एक्सक्लूडेबल होता है. यू आर नॉट एबल टू एक्सक्लूड एनीवन, चाहे कोई उसके लिए पे कर रहा है चाहे नहीं पे कर रहा है. तो पब्लिक गुड्स में बेसिक जो प्रॉब्लम आती है, पब्लिक गुड्स में बेसिक प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ऑफ प्राइसिंग. कि प्राइसिंग की प्रॉब्लम आती है कि कितना प्राइस पे करना है एंड हु विल पे, दैट इज अनदर प्रॉब्लम. उसका रीजन ये है कि प्राइसिंग प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि पब्लिक गुड्स के केस में एक तो राइवलरी नहीं है कंजम्पशन की, यानी कि सेम क्वांटिटी कैन बी इंजॉयड बाय एन नंबर ऑफ पीपल्स, यू नो, कि बहुत सारे लोग सेम क्वांटिटी इंजॉय कर सकते हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, दूसरा है कि एक्सक्लूजन इज नॉट पॉसिबल, कि आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते. अब एक्सक्लूजन पॉसिबल नहीं है, एक तो इसमें क्या होता है कि सेम क्वांटिटी कैन बी कंज्यूम बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स. एक क्या है, सेम क्वांटिटी कैन बी कंज्यूम्ड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स. एक तो यह है. दूसरा है कि क्योंकि एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता, दैट्स व्हाई देयर आर फ्री राइडर्स. फ्री राइडर्स प्रॉब्लम होती है. फ्री राइडर्स प्रॉब्लम का मतलब क्या है? फ्री राइडर्स प्रॉब्लम का मतलब है कि भाई देयर आर पीपल्स हु डजंट वांट टू पे, बट दे विल यू विल नॉट बी एबल टू रिस्ट्रिक्ट देम फ्रॉम यूटिलाइजेशन टू. यानी कि वो फ्री राइडर वो लोग होते हैं, जैसे आम भाषा में इसको कह सकते हैं मुफ्तखोर. यानी कि वो एक तरीके से उस कमोडिटी को यूज़ भी करना चाह रहे हैं, उन सर्विसेज को, पर उसके लिए पे भी नहीं करना चाह रहे हैं. ये मतलब है किसका? फ्री राइडर्स का. तो ये कहलाता है फ्री राइडर्स प्रॉब्लम. तो ये दो तरह की प्रॉब्लम होती हैं जिसके कारण जो प्राइसिंग है पब्लिक गुड्स में वो डिफ़िकल्ट होती है. अब वो डिफ़िकल्ट क्यों होती है, कैसे होती है, लेट अस सी दैट. कि सपोज देर आर टू इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल्स हैं मार्केट में.
अब दो इंडिविजुअल्स हैं और देखते हैं कि उनका डिमांड कर कैसा बनता है पब्लिक गुड्स के लिए। लेट अस सी दैट। यहाँ हम लिखेंगे एक तरीके की टर्म एमबी। एमबी स्टैंड्स फॉर मार्जिनल बेनिफिट। एंड एमसी स्टैंड्स फॉर मार्जिनल कॉस्ट। और समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज, देखो, MEC मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, और यू कैन से समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज MD। MD इज मार्जिनल डैमेज। डैमेज कि मार्जिनल डैमेज या मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट या मार्जिनल डैमेज, कॉस्ट और मार्जिनल डैमेज, एक्सटर्नल कॉस्ट। ठीक है, तो मार्जिनल डैमेज क्या है कि MEC और MD, मार्जिनल डैमेज। डैमेज मींस जो लॉस हुआ है। बेनिफिट मींस जो 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 बेनिफिट हुआ है। अब बेनिफिट को कैसे हम मेजर करते हैं? बेनिफिट को हम प्राइस से मेजर करते हैं। कैसे भाई? क्योंकि जितना बेनिफिट किसी कॉमोडिटी से हमें मिलने वाला है उतना ही मैक्सिमम प्राइस एक कंज्यूमर पे करने को रेडी रहता है। यानी कि कंज्यूमर प्राइस पे करने को रेडी है, जितना प्राइस एक कंज्यूमर पे करने को रेडी है, तो वो इनडायरेक्टली एक तरीके से उस कंज्यूमर को मिलने वाले मार्जिनल बेनिफिट को रिफ्लेक्ट करता है। इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आई ये बात? हेलो, यस सर। ठीक है, तो इसलिए इसको मार्जिनल बेनिफिट हम लोग कहते हैं। तो सपोज कर लेते हैं, ये है यहाँ क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड, ये है क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड। अब पब्लिक गुड की क्वांटिटी में क्या है, सपोज कर लेते हैं दो कंज्यूमर्स हैं। अब प्राइसिंग कैसे होगी? सपोज करो दो कंज्यूमर्स हैं, एक है, लेट्स ड्रॉ इट विद द ब्लैक कलर ओनली। एक कंज्यूमर है ए, जिसका मार्जिनल बेनिफिट कम कर्व जो है ये है, इसका हमने नाम लिया है इसको हम नाम देते हैं एम। होल्ड ऑफ, होल्ड ऑफ, MB1। और ऐसे ही एक दूसरा कंज्यूमर है जिसका ये मार्जिनल बेनिफिट कर्व है, और सिंपली यू कैन से द डिमांड कर्व, यू नो, दिस इज द मार्जिनल बेनिफिट कर्व। लेट्स मार्क इट एज MB2। अब इसको रीड कैसे करना है, ध्यान से देखिए। इसको रीड इस तरह से करना है हमें कि अगर ये क्वांटिटी है, सपोज करो Q0, अगर Q0 क्वांटिटी है, तो Q0 क्वांटिटी के लिए कंज्यूमर वन जो है वो कह रहा है कि मुझे इतना बेनिफिट मिल रहा है MBA जितना, या इसको कह लीजिए P0 जितना, PA जितना बेनिफिट मिल रहा है, तो ही इज़ रेडी टू पे दिस मच प्राइस फॉर दिस क्वांटिटी। उसी तरह से दूसरा कंज्यूमर जो है वो कह रहा है इससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि ये MBC हो गया, यानी कि PC मान लीजिए, तो वो उसी क्वांटिटी के लिए, उतनी ही क्वांटिटी के लिए ज़्यादा प्राइस पे करने को तैयार है। इसको इस तरह से लेके चलिए,
मान लीजिए ऐसा होता है कि नेशनल डिफेंस है। अब मान लीजिए सरकार लोगों से पूछते हैं कि भाई ऐसा है, आप लोगों की सुरक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों की सुरक्षा के लिए हम सेना बल तैनात करने वाले हैं और उसका जो एक्सपेंडिचर है इस तरह से है, तो कौन कितना उस एक्सपेंडिचर में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, कौन कितना पैसा पे करना चाहता है। सपोज करो गवर्नमेंट ऐसे पूछती है, तो मान लीजिए जो अंबानी है क्योंकि उसके पास उसको उसकी एसेट्स ज़्यादा हैं, वो कहेगा भी मेरे वैल्यूएबल एसेट्स हैं, मेरे घर में तो सोना चांदी और ये सब चीज़ें रखी हैं, वैल्यूएबल्स रखे हैं, ऑर्नामेंट्स भी है, कैश भी है, तो मुझे सेफ्टी और सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ही फॉर द सेम क्वांटम ऑफ सेफ्टी और यू कैन से द डिफेंस ही मे बी विलिंग टू पे मोर। एंड किसी दूसरे आदमी से पूछे, हम जैसे हमें कहते हैं कि भाई हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, जो लूटपाट करने वाला है वो लेके क्या जाएगा हमसे, तो हो सकता है हम कम पे करने को तैयार हो सकता है कोई फ्री राइडर भी हो, कह दे भाई मुझे तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक बार अगर डिफेंस होगा तो वो तो सबके लिए ही हो जाएगा। यानी कि अगर जो नेशनल डिफेंस है, आर्मी है या नेवी है या मान लीजिए एयरफोर्स है, जो जिस भी तरह की फोर्स है यूज़ कर रही है गवर्नमेंट, अगर वो फोर्स हमारी बाउंड्री को, नेशनल बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट कर रही है, तो नेशनल बाउंड्रीज तो सभी के लिए प्रोटेक्ट होगी ना, चाहे कोई उसको पे कर रहा था चाहे नहीं पे कर रहा है उसके लिए। तो दैट मीन्स इस केस में क्या है कि डिफरेंट कंज्यूमर्स में हैव द डिफरेंट बेनिफिट, मे हैव द डिफरेंट अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स दैट दे आर ड्राइविंग फ्रॉम द सेम क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटीज और द सेम सेम क्वांटम ऑफ द गुड्स। इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, यस सर, ठीक है, तो इसलिए ये मार्जिनल बेनिफिट है। अब क्योंकि इसमें क्वांटिटी कंज्यूम्ड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सेम रहती है सभी कंज्यूमर्स की, पब्लिक गुड्स में क्या होता है क्वांटिटी कंज्यूम डजेंट वैरी, दैट मीन्स एक पॉइंट पॉइंट ऑफ टाइम पर सभी सेम अमाउंट ऑफ गुड्स को कंज्यूम कर पाते हैं। पब्लिक गुड्स का ये होता है कि नॉन राइवल होते हैं कंजम्पशन में, तो इसका मतलब हो गया कि क्वांटिटी कंज्यूम्ड इज नॉट अ क्वेश्चन, इजेंट इट, कि क्वांटिटी कंज्यूम्ड पर क्वेश्चन नहीं है, अब बेनिफिट पर क्वेश्चन है। यानी कि बेनिफिट कौन कितना पे करेगा ये सवाल बन गया लोगों के लिए, ये सवाल नहीं है कि क्वांटिटी कंज्यूम्ड कितनी होगी, तो सेम होगी सबके लिए, सेम उतना ही डिफेंस सबको मिलना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, मान लीजिए स्ट्रीट लाइट लगा दी गवर्नमेंट ने कहीं पर, तो वो स्ट्रीट लाइट से जिस एरिया पे जितने घरों पे रोशनी जा रही है वो तो सभी घरों पे इक्वल जाएगी ना, रिस्ट्रिक्ट तो नहीं हो जाएगी ना किसी पर, अगर वो उस नहीं स्ट्रीट सर, लाइट के आसपास जितने घर हैं। यस और नो? हेलो, यस सर, ठीक है, तो इसका मतलब जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड होगी वो सेम होगी, उसमें क्वांटिटी वेरिएशन नहीं हो रहा कंजम्पशन में, सिर्फ बेनिफिट अलग अलग हो रहा है। कोई कह रहा है हाँ भाई मेरे घर के लिए फायदेमंद है क्योंकि मेरे मान लीजिए हम मैं पढ़ता हूँ तो चलो वो स्ट्रीट लाइट जल रही है तो मैं उसी उसी से पढ़ लेता हूँ, मेरा काम हो जाता है, रात को मुझे अपना होमवर्क करना पड़ता है चलो मैं अपना होमवर्क वहाँ से कर लेता हूँ, उसकी रोशनी में कर लेता हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो पब्लिक गुड्स होते हैं उनमें क्वांटिटी कंजम्पशन इज नेवर बीइंग अ क्वेश्चन, वहाँ क्वांटिटी कंजम्पशन क्वेश्चन नहीं रहता कि किसके हिस्से में ज़्यादा आएगी किसके हिस्से में कम आएगी, क्योंकि सबके हिस्से में सेम आनी है, वहाँ सिर्फ बेनिफिट है, क्योंकि बेनिफिट के अकॉर्डिंगली पीपल हैव टू पे कि इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। अब वो पेमेंट भी कैसे होती है? टैक्स की फॉर्म में। तो अब ये देखो जो पब्लिक गुड्स हैं उनको टैक्स पेयर भी यूज़ कर रहा है, नॉन टैक्स पेयर भी यूज़ कर रहा है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हो गई है तो रोड पर वो इंसान भी चल रहा है जिसने टैक्स पे किया, वो भी चल रहा है जिसने टैक्स पे नहीं किया, इजंट इट। पार्क बन गए हैं तो पार्क को वो भी इंजॉय कर रहा है जिसने टैक्स पे किया, जो वो भी इंजॉय कर रहा है जिसने टैक्स पे नहीं किया, और सेम क्वांटम में इंजॉय कर रहे हैं, इजेंट इट? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, यस सर, ठीक है, तो इसलिए क्या है पब्लिक गुड्स में जब हम मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे तो मार्केट डिमांड कर्व के लिए हम हॉरिजॉन्टल समेशन नहीं करेंगे, हम वर्टिकल समेशन करेंगे, दैट इज द रीजन। वर्टिकल समेशन इसलिए करेंगे बिकॉज द बेनिफिट्स आर वेरिंग वेयर एज द क्वांटिटी कंज्यूम डजेंट वेरी, वेयर एज इन केस ऑफ प्राइवेट गुड्स व्हाट वॉज द केस इन द प्राइ इन केस ऑफ प्राइवेट गुड्स इन द केस ऑफ प्राइवेट गुड्स वी हैव सीन दैट द प्राइस दैट इज बींग फेस्ड बाय द कंज्यूमर्स इज द सेम,
वेयर एज द क्वांटिटी कंज्यूम्ड आर डिफरेंट, यू नो, हेंस वी हैव टेकन द हॉरिजॉन्टल समेशन फॉर ड्राइविंग द मार्केट डिमांड कर्व. बट इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स वी आर सपोज टू टेक द वर्टिकल समेशन इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल समेशन. रीजन बींग हेयर वी आर समिंग और हेयर वी आर एडिंग द बेनिफिट्स नॉट द क्वांटिटीज. इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, क्या मेरी बात समझ में आई है आप लोगों को? हेलो. यस सर. ठीक है. सो लेट मी ड्रॉ वंस अगेन द कर्व एंड लेट्स सी हाउ द मार्केट डिमांड कर्व कैन बी derived in case of public goods. Let's see that. Okay then, suppose once again I'm been drawing this curve. Well, this is vertical axis and this is horizontal axis. This is quantity. Here marginal benefit or marginal damage, or you can say the marginal cost, is being written over here. And suppose this is consumer 1, the marginal benefit curve is MB1. Let's have this is MB1, and let me use some other color for this. Yes, let's have the another marginal benefit curve for consumer 2. अब ये हमने दो कंज्यूमर, टू कंज्यूमर्स केसेस लिया है, अदरवाइज इन रियलिटी देयर मे बी मोर देन टू कंज्यूमर्स, यू नो. तो अगर अब इसका हम वर्टिकल समेशन करेंगे तो इस पॉइंट से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? सेम यही डिमांड कर रहेगा ये पोर्शन. इसके बाद यहाँ से ये थोड़ा सा स्टीप होना शुरू हो जाएगा. ये स्टीप क्यों होगा? लेट मी शो यू वंस अगेन. लेट मी ट्राई एंड शो विद द न्यूमेरिकल वैल्यूज व्हाई इट वुड बी रिलेटिवली स्टीपर देन द गिवन कर्व्स. व्हाई इट वुड बी रिलेटिवली स्टीपर? ये हो गया. ये मार्केट डिमांड कर्व, ये कैसे बना? लेट अस सी दैट. लेट मी डू इट वंस अगेन. सपोज ये क्वांटिटी है, ठीक है. अब ये क्वांटिटी है सपोज Q0. इस क्वांटिटी के हिसाब से जो कंज्यूमर 1 है, ही इज विलिंग टू पे, लेट अस अज्यूम PA, विच इज नथिंग बट let's assume this is 5 rupees for this much quantity. And for the same quantity, this consumer B is ready to pay, let us assume 10 rupees, you know, this is PB, 10 rupees. So in the market, if one individual pays 5 rupees and another pays 10 rupees, then the total benefit to the society, or the total payment that the society is ready to make, is rupees 15, isn't it? अरे भाई, ये समझ में आया आप लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर. ठीक है. तो अब ये देखो, तो ये वर्टिकल समेशन, तो इस क्वांटिटी को और इसको, इस प्राइस को और इस प्राइस को सम करेंगे तो ये वर्टिकली थोड़ा अपवर्ड चला जाएगा ये कर्व, ठीक है ना. तो इसलिए ये रिलेटिवली स्टीप होता है. तो जो मार्केट डिमांड कर्व बना है वो इसमें, उसकी शेप ये है. दिस इज एक्चुअली द मार्केट डिमांड. This is actually the market demand curve, which has somewhat kink. देखो इसमें kink आ गया इस point पे, क्योंकि इस point से पहले तो ये जो consumer 1 है, इसका demand curve exist करता ही नहीं है. तो इन quantities पे तो सिर्फ यही consumer exist करता है, इसके बाद ये consumer exist कर रहा है. इसलिए क्या है, ये upward चलता चला जाएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, क्या ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर. एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. देखो ये क्वांटिटी है Q0,
इस क्यू जीरो क्वांटिटी के लिए कंज्यूमर वन जो है वो 5 रुपीज पे करने को रेडी था और कंज्यूमर टू जो है वो 10 रुपीज पे करने को रेडी है। तो अगर दोनों को देखें तो 15 रुपीज पे करने को रेडी है कौन? सभी कंज्यूमर्स दोनों मिलकर, यस और नो? तो यानी कि दोनों मिलकर गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे? 15 रुपीज। यानी कि सोसाइटी कितना पे करने को तैयार है? 15। या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं पूरी सोसाइटी को इतनी इस क्वांटिटी से कितना बेनिफिट मिलेगा? 15 रुपीज के बराबर बेनिफिट मिलेगा। इज दैट ओके? हेलो, यस सर, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है, ये बन गया मार्जिनल सोशल बेनिफिट, MSB, मार्जिनल सोशल बेनिफिट। ये इसको हम बोलते हैं मार्जिनल सोशल बेनिफिट, MSB। अब MSB इज नथिंग बट समेशन ऑफ इंडिविजुअल बेनिफिट, MB1 और MB2, MB1 और MB2, मार्जिनल बेनिफिट 1 प्लस मार्जिनल बेनिफिट 2, ये मार्जिनल सोशल बेनिफिट हो गया। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाई प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स में डिफरेंस कीजिए, तो आपको पहले तो डेफिनेशनल डिफरेंस देना है, जो थ्योरेटिकल डिफरेंस मैंने बताया कि प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, कि प्राइवेट गुड्स वो होते हैं जो राइवल होते हैं इन कंजम्पशन और एक्सक्लूडेबल होते हैं इन कंजम्पशन, वेयर एज जो जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो नॉन राइवल होते हैं इन कंजम्पशन और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, कि वो राइवल भी नहीं होते और एक्सक्लूडेबल भी नहीं होते। यानी कि इसमें एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी अप्लाई नहीं होता और राइवल भी नहीं होता। इज दैट ओके? दूसरा, आप जो है ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से आप डिस्टिंगशन कर सकते हैं कि जो प्राइवेट गुड्स हैं उसमें हम मार्केट डिमांड को डराइव करने के लिए हॉरिजॉन्टल समेशन करते हैं, बिकॉज द प्राइस फेस्ड बाय ऑल द कंज्यूमर्स इज द सेम, वेयर एज द क्वांटिटीज आर डिफरेंट। और जो पब्लिक गुड्स होते हैं उनमें क्वांटिटी इज द सेम एंड द प्राइसेस आर डिफरेंट, यू नो। इज दैट ओके? हेलो, यस सर, यस सर। तो जितना ये बताया इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछना आप में से किसी ने भी, तो सवाल पूछ सकता है। यस yes. जितना भी अब तक हमने डिस्कशन किया है उससे रिलेटेड अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है, कुछ और क्लैरिटी चाहिए, तो वो पूछ सकते हैं। बेटे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। तो वेल इन केस देर आर नो क्वेश्चंस, लेट्स प्रोसीड फर्दर। So we had started yesterday, we have started the causes of market failure, you know, and we have discussed the two cases. One is the market power and the other one was the public goods, I think. Now the third is externalities, probably. Now we will see the externalities, ki what does externalities means. Yes, can anyone of you tell me what does externalities means? Yes, students, क्या आप में से कोई बता सकता है externalities का मतलब क्या होता है? बेटे yes, no कुछ reply कीजिए ताकि मुझे भी पता लगे रहे कि भाई आप class में हैं या login करके दाएं बाएं चाय पानी पीने चले गए हैं। Hello, hello. ये सभी लोग मुझे मुझे बोलो जरा, गुड आफ्टरनून बोलो सभी लोग एक बार। चलिए मैं नाम बोल दूं। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। बोलिए हरीश, हरीश सर, प्रेरणा मनोचा, हाँ, आर यू ऑल देयर इन द क्लास? गुड आफ्टरनून सर। आशिमा गांधी, यस यस सर, हाँ यस यस सर। ओके ओके ओके, देन लेट्स प्रोसीड फर्दर। वेल Now we are supposed to discuss the externalities. Yes, बताइए externalities का मतलब क्या होता है? बता सकता है कोई आप में से? हमने ये last semester में जो money banking पढ़ा था उसमें भी discuss किया था ये। Yes, well चलिए ठीक है, कोई नहीं बता रहा तो
मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वेल एक्सटर्नैलिटी इज समथिंग समथिंग कॉल्ड एक्सटर्नल इफेक्ट, दैट मीन्स द एक्शंस डन बाय वन इंडिविजुअल इज नॉट ओनली अफेक्टिंग दैट इंडिविजुअल बट अदर्स टू। कि जब किसी भी इंडिविजुअल एंटिटी का, एंटिटी इन द सेंस वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का भी हो सकता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड एंटिटी। कोई भी इंडिविजुअल एंटिटी होती है, अगर वो कोई एक्शन लेती है, यानी कि कोई भी एक्शन करती है, लेती का मतलब है, मेरा मतलब कोई भी एक्शन करती है, कोई भी एक्ट करती है, उसके किसी एक्ट करने से दूसरी पार्टी यानी कि जो उस एक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, उस इवेंट में, उस एक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, उस पार्टी पर भी इफेक्ट जाता है, दैट इफेक्ट इज नोन एज एक्सटर्नैलिटीज। तो जो एक्सटर्नैलिटीज हैं ये दो तरह की हो सकती हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज भी हो सकती हैं, एक्सटर्नैलिटीज भी हम कह सकते हैं, और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज भी हम कह सकते हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज भी हम कह सकते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज भी हम कह सकते हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी मतलब पॉजिटिव एक्सटर्नल इफेक्ट, एक्सटर्नैलिटीज मीन्स एक्सटर्नल इफेक्ट, एक्सटर्नल इफेक्ट। पॉजिटिव एक्सटर्नल मीन्स पॉजिटिव एक्सटर्नल इफेक्ट। देखो एक्सटर्नल इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसके थोड़े एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज एक इंसान बोर हो रहा है घर, अब उसके घर में म्यूजिक सिस्टम नहीं है, पर पड़ोसी ने बड़े मधुर गाने चला दिए म्यूजिक सिस्टम में वॉल्यूम बढ़ाकर, तो वो जो पड़ोस जो उसका नेबरहुड है उसमें गाने चल रहे हैं तो वो भी इंजॉय करेगा उसको, या आवाज़ उसके कानों में नहीं जाएगी? यस प्लीज, हेलो स्टूडेंट्स, वो भी इंजॉय करेगा ना, जाएगी। उस केस में क्या हो गया, वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हो गया। उस केस में क्या हो गया, ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हो गई, यानी कि ये पॉजिटिव इफेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही सपोज करो मेरे पास सीसीटीवी घर में सिक्योरिटी के लगाने के पैसे नहीं है, पर जिसका मकान मेरे मकान के सामने है उन्होंने अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, तो उससे मेरे घर को भी प्रोटेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस यस मिलेगा ना। तो ये हो गया पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, इसको हम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज बोलते हैं। यानी कि जब किसी दूसरे का एक्शन, जिस एक्शन में हम इन्वॉल्व नहीं थे, वो उस एक्शन को इनिशिएट भी हमने नहीं किया, बट उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हमारे ऊपर आया है, तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होगी, ठीक है। इसी तरीके से होती है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में क्या होगा कि एक्शन किसी दूसरे का है, उस एक्शन में हम इन्वॉल्व नहीं है, पर उसके उस एक्शन का या एक्ट का हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, नेगेटिवली वो हमें अफेक्ट कर रहा है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा पैसिव स्मोकर, सुना है? हेलो, यस सर, ठीक है, यस सर। पैसिव स्मोकर्स क्या होते हैं, जैसे सपोज करो हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, या हम कहीं बस स्टैंड पे खड़े हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं, या हम कहीं पार्क में बैठे हैं, या कहीं पर भी टहल रहे हैं, वहाँ पड़ोस में खड़ा होकर कोई आदमी स्मोकिंग कर रहा है, तो वो स्मोकिंग कर रहा है, उसका जो धुआं है वो तो बाहर निकल रहा है, तो एनवायरनमेंट में आ गया, तो वो तो मेरे सांस में भी जाएगा साथ में, यस और नो? यस यस सर, ठीक है ना। तो yes, उस केस में वो जो इंडिविजुअल स्मोकिंग कर रहा, अब मैं तो स्मोकिंग नहीं कर रहा हूँ, बट वो इंडिविजुअल जो मेरे साथ खड़ा है वो स्मोकिंग कर रहा है, वो स्मोकिंग कर रहा है, तो उस केस में क्या हो गया, वो इंडिविजुअल उस एक्शन को कर रहा है, बट उस एक्शन का जो इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, वो मुझ पर भी आ रहा है, यानी कि वो एक्टिव स्मोकर हो गया उस केस में और मैं पैसिव स्मोकर हो गया, ठीक है, वो एक्टिव स्मोकर हो गया और मैं क्या हो गया, पैसिव स्मोकर हो गया, इज दैट ओके? यस सर, ठीक है, यस सर, एक्टिव स्मोकर और पैसिव स्मोकर, यस सर, तो उसको हम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज बोलते हैं। क्या ये समझ में आया एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज में डिफरेंस समझ आया? यस यस सर, ठीक है। अब जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं,
ये अफेक्ट करती हैं, ये इंक्रीज कर देती हैं बेनिफिट्स, यानी कि मार्जिनल बेनिफिट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट इंक्रीज हो जाता है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। यस और नो? ये कॉस्ट इंपोज नहीं कर रही हैं, ये मार्जिनल सोशल बेनिफिट को इंप्रूव कर रही हैं, जबकि जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है ये मार्जिनल डैमेज को इंप्रूव कर रही है, मार्जिनल डैमेज को इंक्रीज कर रही है, एनहेंस करती है। यस और नो? हेलो, या आप कह लीजिए सोशल कॉस्ट को इम्पोज करती हैं, ये सोशल बेनिफिट को इम्पोज करता है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी से मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी से सोशल बेनिफिट हो रहे हैं और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी से मार्जिनल डैमेज हो रहा है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इम्पोज हो रही है, कॉस्ट इम्पोज हो रही है जिससे लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ कॉस्ट पड़ेगी, इजंट इट? हेलो हेलो, यस सर, ठीक है ना? यस सर, इस तरह से हमें ये एक्सटर्नैलिटीज को देखना है। इसके ऊपर पूरा चैप्टर आपका आगे है, उसमें हम आगे और डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग क्योंकि ये हम कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस पॉइंट ओवर हियर। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज है। अब होता क्या है, जब कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होगी तो उससे दो चीजें होंगी क्या, अब देखते हैं क्या। सबसे पहले अगर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं, तो उससे क्या होगा, अब मार्जिनल सोशल बेनिफिट इंप्रूव हो रहा है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट को एनहेंस कर रही है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, तो उस केस में क्या होगा, मार्जिनल सोशल बेनिफिट एनहेंस होगा तो उस केस में क्या होगा कि क्या कहते हैं कि अंडर प्राइसिंग, एंड ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडर प्राइसिंग क्यों होगी, क्योंकि जो प्राइस पे किया जा रहा है उस प्राइस, वो प्राइस तो पे किया उस इंडिविजुअल ने अपने बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए। एम आई राइट और नॉट? हेलो स्टूडेंट्स, भाई मान लीजिए मैंने सीसीटीवी कैमरा लगाया, तो जब मैंने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कराया अपने घर के बाहर, तो उस केस में सीसीटीवी कैमरा के लिए जो मैंने प्राइस पे किया, तो मैंने तो सिर्फ अपने जो मुझे बेनिफिट मिलने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए किया। यस और नो? यस सर, ठीक है। बट जो सीसीटीवी कैमरा मैंने घर के बाहर लगाया वो तो मेरे नेबर को भी बेनिफिट पहुंचा रहा है, यानी कि जब मैंने उसका प्राइस पे किया तो उस प्राइसिंग में, उस प्राइसिंग डिटरमिनेशन प्रोसेस में मैंने जो बेनिफिट मेरे पड़ोसी को मिलने वाला है, नेबर को मिलने वाला, उस बेनिफिट को इनकॉर्पोरेट नहीं किया। प्लीज पार्टिसिपेट। यस सर, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया, अंडर प्राइसिंग हो गई कि प्राइसिंग गलत हुई, अंडर प्राइसिंग होगी तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज के केस में क्या होगा, ओवर प्राइसिंग एंड अंडर प्रोडक्शन। क्यों ओवर प्राइसिंग होगी? सिंपल सा रीजन है कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में डैमेज इंपोज होगा, सोसाइटी पर कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, तो इसका मतलब जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा था उस कॉमोडिटी को, तो उसने सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट को तो इनकॉर्पोरेट कर लिया कि उसको कितनी कॉस्ट पड़ रही है उसको प्रोड्यूस करने की, बट जो कॉस्ट उसके प्रोडक्शन के कारण जो कॉस्ट सोसाइटी पर इंपोज हो रही है उसको उसने इनकॉर्पोरेट नहीं किया प्राइसिंग में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, यस सर, ठीक है। तो उस केस में क्या हो गया, ओवर प्राइसिंग और अंडर प्रोडक्शन। तो इसलिए क्या है, जब ओवर प्राइसिंग अंडर प्रोडक्शन हो या अंडर प्राइसिंग ओवर प्रोडक्शन हो, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं मार्केट फेलियर। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं मार्केट फेलियर, कि मार्केट फेलियर हो गया। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था
उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ, या तो उससे ज़्यादा हुआ या उससे कम, और जो प्राइस था या तो वो ओवर प्राइस चार्ज किया गया या अंडर प्राइस चार्ज किया गया, जिससे कि जो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई थी दे फेल्स टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मार्केट फेल्योर। इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, ठीक यस है? सर, तो इसको हम बोलते हैं क्या, मार्केट फेलियर। तो दैट इज द अनदर रीजन, एक्सटर्नैलिटीज जो हमने अभी डिस्कस किया। एक्सटर्नैलिटी इससे रिलेटेड किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। स्टूडेंट्स, जो भी टॉपिक अब तक हमने डिस्कस किया है एक्सटर्नैलिटीज से रिलेटेड, अगर किसी ने कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड तो कोई पूछ सकता है। यस स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। यस सर। कोई सवाल पूछना आप में से किसी ने? नो सर। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर देन। वेल, द नेक्स्ट कॉज ऑफ मार्केट फेलियर इज द गवर्नमेंट पॉलिसीज। लेट अस ट्राई एंड सी व्हाट आर द डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्ट्स द मार्केट मैकेनिज्म टू अचीव द इक्विलिब्रियम और टू ऑपरेट एट द इक्विलिब्रियम और टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। Now comes the government policies. You know, well, there are two types of government policies that can be seen, which distorts the market or which can causes market failure. The first one is the price control, and another one is the taxes, you know, taxation. Even say, well, price control includes the price ceiling and price flooring, while taxation includes the taxes, imposition of taxes. Well, these are the things that causes the market failure. ये हैं जो market failure कहते हैं। जब price ceiling क्या होता है? प्राइस सीलिंग है एक तरीके से मैक्सिमम, दैट मैक्सिमम प्राइस। हाँ, इट इज द मैक्सिमम प्राइस बियॉन्ड विच सेलर कैन नॉट सेल। कि जो प्राइस सीलिंग है, प्राइस सीलिंग के केस में क्या है, जो सेलर है वो, ये एक मैक्सिमम प्राइस होता है जिसको सेलर, जिसके बियॉन्ड सेलर सेल नहीं कर सकता। यानी कि जो प्राइस सीलिंग इज ऑलवेज डन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बायर्स, दैट मींस इंटेंट हियर इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बायर्स। बायर्स वेयर एज प्राइस फ्लोर जो है ये मिनिमम प्राइस है, इट इज मिनिमम प्राइस बिलो विच अ बायर कैन नॉट बाय। कि जो प्राइस फ्लोर है वो मिनिमम प्राइस होता है जिस प्राइस से कम प्राइस पर बायर परचेज नहीं कर सकता। यानी कि जो प्राइस फ्लोरिंग की जाती है वो की जाती है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सेलर्स। होल्ड ऑन, यस, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सेलर्स। सेलर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया जाता है प्राइस फ्लोरिंग। अब ये कैसे मार्केट को डिस्ट्रॉट करते हैं यह देख लेते हैं हम लोग।
पहले प्राइस सीलिंग का देख लेते हैं। प्राइस सीलिंग में क्या है, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी। नाउ सपोज दिस इज द डिमांड कर्व एंड दिस इज द सप्लाई कर्व, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट P0। नाउ सपोज इफ द गवर्नमेंट इम्पोजेज अ प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, अब प्राइस सीलिंग होगी बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस के, यानी कि गवर्नमेंट ने कहा इससे ज्यादा पर नहीं बेच सकते, तो क्या ये इक्विलिब्रियम प्राइस पे बेच पाएंगे? हेलो, मार्केट ऑपरेट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना, तो सप्लाई सिर्फ इतनी रह गई, डिमांड ये यहां पर हो गई, ये क्यू बी डिमांड होगी और क्यू ए सप्लाई होगी, तो इसका मतलब ये क्या होगी, शॉर्टेज, शॉर्टेज होगी ना गुड्स की, तो यानी कि ये इससे क्या हो गया, मार्केट फेलियर हो गया, कि मार्केट को ऑपरेट यहां करना चाहिए था पर ऑपरेट यहां कर रही है। इसी तरीके से अगर प्राइस फ्लोरिंग हो जाए, लेट अस ड्रॉ अनदर एग्जांपल, प्राइस फ्लोरिंग हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, ये सब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है इंट्रोडक्टरी मैट्रिक्स। प्राइस फ्लोरिंग में कि उससे नीचे नहीं बेच सकता, उससे नीचे नहीं बेच सकता है, तो ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है P0। अब मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि ये मिनिमम प्राइस है, इससे बिलो पर आप नहीं सेल कर सकते हैं, तो क्या ये नीचे जा पाएगा, इससे नीचे? यस नो सर। तो यहाँ क्या आ गया, ये आ गया क्यू ए डिमांड हो गई और क्यू बी सप्लाई हो गई, ये यहाँ पर क्या हो गया, सरप्लस हो गया, सरप्लस हो गया, तो ये भी मार्केट को ऑपरेट नहीं करने दे रहा। सेम इज द केस विद टैक्सेशन, टैक्सेशन से डेड वेट लॉस अराइज हो जाता है। लेट अस सी दैट ग्राफिकली, टैक्सेशन कैसे इंश्योर कर रहा है इस चीज को। ये भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स। सो हेयर इज द टैक्सेशन, सपोज दिस इज द डिमांड कर्व एंड दिस इज द सप्लाई कर्व, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट और दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। वेल इफ दिस इज द टैक्स इम्पोज्ड, suppose this AB is the tax, this is the tax imposed and this is the dead weight loss, this is the dead weight loss of taxation, तो इससे भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस पे तो ऑपरेट नहीं कर रहे ना, ये डेड वेट लॉस हो गया यहां से, तो मीन्स क्या है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है दे ऑल्सो डिस्टॉर्ट्स द मार्केट, वो भी मार्केट फेलियर को प्रमोट करती हैं, यानी कि वो उनके कारण मार्केट फेलियर होता है। इज दैट ओके? हेलो, यस सर। इससे रिलेटेड किसी ने कोई सवाल पूछना है स्टूडेंट्स, जो अब तक किया जितना इससे रिलेटेड किसी ने कोई सवाल पूछना है? हेलो, नो सर। तो ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।